हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का देव इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया पर। आज हमारे पास एक ग्राइंडर है जो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें प्लग इन करूँगा इसको, और फिर आपका स्विच वगैरह ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होता है। दिखलाने की कोशिश करूँ आपको, ये ऑन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी। तो आज हम इसी को रिपेयर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक टेस्टर लेना है, और टेस्टर की सहायता से यहाँ पे पीछे इसमें एक कवर लगा हुआ है जिसमें लॉक है। आपको सिर्फ टेस्टर को अंदर घुसा करके इसका लॉक जो है बाहर निकाल देना है। तो ये पीछे से जो कवर है ये पर अब आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद में अब देखते हैं, ये पूरा कवर हमारा बाहर आ चुका है। इसी तरह से आपको ये पीछे से कवर हटा देना है इसका। ये कवर हट गया। इसके बाद में आपको ये यहाँ सिर्फ इस तरह से एक लॉक होता है, इसमें इस तरह से आप घुमाएंगे तो ये निकल आएगा। निकालने के बाद आप यहाँ पे एक रेड कलर का चूड़ीदार एक लॉक है, इसको भी आप ऊपर की तरफ करके हटा देंगे, टेस्टर फंसाएंगे और इसको ऊपर उठा देंगे तो ये भी निकल जाएगा। उसके बाद अब हम इसकी साइड में से बॉडी खोल देंगे। इसमें आपको एक बात बता दूँ, इसमें आपको कहीं पर भी कुछ भी पेच वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ लॉक ही लॉक पे टिका हुआ। तो इस तरह से आप इसको भी निकाल देंगे सारे लॉक, दूसरी साइड से भी टेस्टर फंसा के ये आप यहाँ से इसके सारे सारे लॉक निकाल देंगे और ये आपका पूरा ओपन हो जाएगा। तो ध्यान से निकालें, देख सकते हैं आप लोग इसके अंदर कितना सारा गंद भरा हुआ है, इसे भी हम लोग साफ़ कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये ऑन क्यों नहीं हो रहा था, ये इसके स्विच वगैरह हैं। तो सबसे पहले हम अब ले लेते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये आ गया हमारा मल्टीमीटर। आपको इसको कंटिन्यूटी रेंज पे आपको इसको सिलेक्ट कर देना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको लीड की एक प्रोब लीड पे आपको इस पिन पे एक तरह से लगाना है, और इसके जो एंड पॉइंट है एक पिन आपको वहाँ लगानी है मल्टीमीटर की। तो आप एक एक करके इसकी पूरी लीड चेक कर सकते हैं। लीड चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसकी एक बारी इसका जो सर्किट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसे खोलते ही आपको ये सर्किट को आप बाहर निकाल लोगे बिल्कुल इस तरह। अब आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से इसका पिन आउट कर पाओगे। तो अब हम सबसे पहले इसकी लीड ही चेक करते हैं, हो सकता है लीड वगैरह में फॉल्ट ना हो। मल्टीमीटर को करें कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट, और उसके बाद में सबसे पहले अपनी मेन कॉर्ड चेक करेंगे। देख सकते हैं आप कंटिन्यूटी हमारी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। इसको आपको कंटिन्यूटी रेंज पे सिलेक्ट करना है। अभी हमने डायोड पे सिलेक्ट कर रखा था। एक पिन हमारी प्लग टॉप की एक साइड में, और इसके एंड पॉइंट पर एक दूसरी प्रोब लगाएंगे मल्टीमीटर की। देखते हैं आप पूरा बीप साउंड आ रहा है, 0 ओम रेजिस्टेंस। और दूसरा वायर जिसका चेक करेंगे तो दूसरे वायर से भी आप देखते हो 2 से 3 ओम, यानी कि फुल कंटिन्यू है हमारी वायर, जो हमारी लीड जो है बिल्कुल एकदम ठीक है। इसके बाद में हम इसका सर्किट चेक करेंगे। सर्किट में इसमें आपके कुछ डायोड कैपेसिटर वगैरह सब लगे होते हैं, तो उनकी शॉर्टिंग के कारण भी ये नहीं चलता है। अब हम इसका सर्किट ही चेक करेंगे। लीड तो हमारी एकदम ओके है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसके कुछ स्विच, कुछ डायोड, और यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है। देख सकते हैं आपकी इसकी हालत, देख सकते हैं ये फूला हुआ है, ये से फूटा हुआ है। मैं दिखलाने की कोशिश करूँ तो मुझे ये फ्यूज इसका ख़राब लग रहा है, तो ये भी मैं आपको चेक करके दिखलाऊंगा अभी। तो सबसे पहले हम इसी को चेक कर देते हैं। तो कंटिन्यूटी रेंज पे मल्टीमीटर को सिलेक्ट करेंगे, और इसको हम देखेंगे तो देखो बिल्कुल 0 ओम्स, यानी कि कोई कंटिन्यूटी नहीं है इसमें। ये हमारा जो है वो ओपन हो चुका है फ्यूज। इसके बाद में हम इसके कुछ डायोड वगैरह चेंज करेंगे। डायोड भी इसके चेक कर लेते हैं पहले, चेंज तो बाद में करेंगे। तो देख सकते हैं ये डायोड हमारा एकदम ओके है,
और इसके अगला डायोड ये हमारा फुल सोर्ड दिखला रहा है। इसके बाद और दो तीन डायोड है वो भी चेक कर लेंगे। ये डायोड भी आपका बिल्कुल शॉर्ट है और ये तीसरा डायोड ये भी शॉर्ट है बिल्कुल। इसके बाद अगला एक डायोड और बचा है, मैं उसे भी चेक कर लेंगे। तो ये डायोड भी दोस्तों आपका शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम इन सबको चेंज कर देते हैं और फ्यूज लगाना ना भूलें, ये बिना फ्यूज के आगे सप्लाई नहीं पहुँचेगी। ये चारों डायोड इनकी जगह पे हम, ये वाले फ्यूज हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो इनकी जगह पे ना हम 4007 IN 4007 का डायोड लगा देंगे और हमारा जो सर्किट है वो काम करने लग जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे सारे के सारे डायोड शॉर्ट आ रहे हैं। मैं कितनी बार भी इन्हें चेक कर लूँ ये शॉर्ट ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें रिमूव कर देते हैं यहाँ से और फ्यूज ज़रूर लगाएं। ये फ्यूज आपके पास अगर अवेलेबल ना हो तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट एक सिंपल वायर इसमें पीछे से आप कनेक्ट कर देंगे और ये हमारा चल पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारी कॉइल भी लगी हुई है, तो इसे भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। कॉइल भी चेक करने के लिए आपको इसमें दो दो वायर्स लगी हुई है, दोनों वायर को आप चेक कर लेंगे। आपस में कंटिन्यू आएगा तो ओके है, ये हमारी कॉइल बिल्कुल ओके है। तो चलिए दोस्तों इन्हें हम चेंज कर देते हैं एक बारी। हमने यहाँ चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये डायोड लगा हुआ है, ये हमारे पास जो डायोड था इसमें पहले FR207 इसका नंबर था। ये हमारे पास फ्यूज, इसकी जगह पे हमने एक एक हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया जो कि फ्यूज का काम करेगा। यह हमने हटा दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे एक सिंपल एक वायर कनेक्ट कर सकते हो, छोटा सा पतला सा बारीक। और डायोड जो है हमारा FR207 इसकी जगह पे हमने लगाया है IN4007, जिसे आपको दिखलाएं कोशिश करूँ मैं यहाँ पे। तो ये हमारा FR207 नंबर का डायोड है, देख सकते हैं आप लोग। जहाँ बदल चुके हैं इसका, अब हम इसे बॉडी में फिट कर लेते हैं। हमने जितने डायोड थे वो सारे चेंज कर दिए, फ्यूज भी चेंज कर दिया। अब इसे बॉडी में वापस पैक करते हैं और फिर एक बार चला के देखेंगे। तो सबसे पहले इसे पैक कर देते हैं। जिस तरह से आपने इसे निकाला था आप सिंपली उसी तरह से इसको पैक कर देंगे। यहाँ पर एक स्क्रू लगेगा इसका, वो भी हम लगा देते हैं इसमें। तो ये लगा दे दोस्तों हमने इसमें स्क्रू, और ये हमारा सर्किट था हमारा ये तैयार हो चुका है। अभी हम इसे चला के देखेंगे हमारा ये सर्किट काम कर रहा है कि नहीं। इसका जो कवर है ये लगा देंगे। सबसे पहले सफाई कर लेते हैं इसकी, थोड़ी काफ़ी गंदा हो चुका है। इसका दूसरा साइड हम पहले ही साफ कर चुके हैं। सिंपली जिस तरह से आपने लॉक खोले थे उस तरह से इसको आप रख के और प्रेस कर देंगे हल्के हाथ से, इसके सारे लॉक फिक्स हो जाएंगे। आपको प्लग लगाना है, प्लग लगाने के बाद जैसे ही स्विच ऑन करेंगे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो सर्किट है वो काम करने लगा है। अभी ऑन हुआ था ये शायद प्लग में दिक्कत आ रही है, कुछ प्लग लूज हो रहा है। देख सकते हैं आप ऑन हो गया है सर्किट हमारा, बिल्कुल ऑन हो गया। हमारा जो ग्राइंडर था वो चालू हो चुका है। ये देखिए दोस्तों हमारा ग्राइंडर बिल्कुल ऑन हो चुका है, बिल्कुल ओके। तो अब इसकी बाकी बॉडी पैक कर लेते हैं।
सबसे पहले इसका है पीछे का ढक्कन, ये इस तरह से आप फंसा देना है। उसके बाद इसका ये ऊपर जो रेड कलर का चूड़ीदार लॉक निकाला था हमने, इसे लगा के, और इसका जो मेन पार्ट है उसे हमें लगा देना है। इसी से हमारा जो मसाले वगैरह जो आप पीसना चाहो वो इसी से सब पीसते हैं। अब एक बार प्लग ऑन करते हैं इसका और देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, हमारा जो ग्राइंडर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।